असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। वोटिंग के लिए दोनों राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के लिए यह चरण इसलिए भी खास है क्योंकि 126 में से 65 विधानसभा सीटों के लिए मतदान पहले ही चरण में हो रहा है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साख भी दांव पर है। यहां 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले चरण में 18 सीटों पर मतदान हो रहा है। असम में 65 विधानसभा सीटों पर 539 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस, बीजेपी, एजीपी, बीपीएफ गठबंधन और एआईयूडीएफ के बीच में कड़ा मुकाबला है। उधर पश्चिम बंगाल में भी उत्तरी सभी पार्टियों के 133 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 40 लाख से भी ज्यादा मतदाता करेंगे। तो असम में कुल सीट 126 है जहां 45,95,712 पुरुष वोटर हैं। कुल उम्मीदवार 539 है और पुरुष उम्मीदवार 496 बताए जाते हैं। असम में 65 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आज महिला उम्मीदवार की बात करें तो 43 है उनकी संख्या। आपराधिक उम्मीदवार 30 बताए जा रहे हैं और गंभीर अपराध वाले 25 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी हंगामेदार आगाज हुआ। सदन में केंद्रीय योजनाओं में कटौती पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और बीजेपी के विधायकों में तकरार देखने को मिला। सरकार की ओर से सदन में मंत्री ललन सिंह अपना पक्ष रख रहे थे, उसी दरमियान नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने उन्हें टोका और आरोपों को गलत बताया। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और बीजेपी ने सदन का वॉकआउट कर दिया। आज सदन में फॉरबिसगंज गोलीकांड की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। उधर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में विशेष कोर्ट आज रूमटा बंधुओं को सजा सुनाएगी। 25 मार्च को स्पेशल कोर्ट ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और इसके दो निदेशक आरएस रूंगटा और आरसी रूंगटा को दोषी ठहराया था। कोल ब्लॉक घोटाले में 39 मामलों में से यह पहला मामला है जिसमें सीबीआई के विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इन्हें दोषी ठहराया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 मार्च 2016 को झारखंड इस्पात प्राइवेट और उसके दोनों डायरेक्टर्स को कोल ब्लॉक आवंटन में दोषी करार दिया और फैसला सुरक्षित रखा, लिहाजा दोनों डायरेक्टर्स को कस्टडी में ले लिया गया। तकरीबन एक साल की जांच के बाद 2013 में सीबीआई ने इस मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया था। 2014 में सीबीआई ने जेआईपीएल, रुंगटा भाइयों और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 21 मार्च 2015 को जीआईपीएल और रुंगटा भाइयों के खिलाफ आरोप तय हुए और आरएस रुंगटा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और दासारी नारायण राव को गवाह के तौर पर कोर्ट बुलाने की मांग की, लेकिन 23 दिसंबर 2015 को अदालत ने मनमोहन और राव को अदालत में बुलाने की मांग खारिज कर दी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का इस सनसनीखेज खुलासा 2012 में सीएजी ने किया था जिसमें कहा गया कि इसकी वजह से सरकारी खजाने को 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कोल स्कैम का यह मामला झारखंड के नॉर्थ धोड़ू कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि जेआईपीएल और तीन अन्य कंपनियों ने गलत विवरण देकर कोल ब्लॉक हासिल किए। जेआईपीएल के अलावा इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, आधुनिक अलायंस एंड पावर लिमिटेड और पवन स्टील एंड पावर लिमिटेड को कोल ब्लॉक दिए गए। सीबीआई का आरोप है कि जांच समिति ने कंपनियों के दावों का सत्यापन नहीं किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री ने कंपनियों के आकलन के लिए कोई तौर तरीका नहीं अपनाया। सरकार के साथ हुई इस धोखाधड़ी में दोषी पक्षों ने अदालत से सजा कम रखने का अनुरोध किया, लेकिन सीबीआई ने कहा कि जेआईपीएल और इसके दोनों डायरेक्टर्स आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से आर्थिक अपराध किए, इसीलिए ये नरमी के हकदार नहीं है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। पीलीभीत में 25 साल पहले 11 सिखों को उग्रवादी बताकर फर्जी मुठभेड़ में मारने के मामले में आज कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने 57 में 47 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है जिसमें से 20 पुलिस वाले जेल में हैं, जबकि 27 पुलिस वालों को कार्रवाई के दौरान हाजिर नहीं होने के चलते नोटिस जारी किया गया है।
25 साल से इंसाफ की राह देख रहे उन सिख तीर्थयात्रियों का परिवार आज दर्द के उस मंजर को भुलाने की कोशिश करेगा जब 10 सिख तीर्थयात्रियों को चलती बस से उतारकर आतंकवादी बताया गया था और एनकाउंटर कर दिया गया। यूपी के पीलीभीत में 12 जुलाई 1991 में 10 सिख तीर्थयात्रियों के फर्जी एनकाउंटर मामले में आज लखनऊ की विशेष अदालत सजा सुनाएगी। पीलीभीत में 25 साल पहले हुए एनकाउंटर मामले में लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने 1 अप्रैल को फैसला सुनाया था जिसमें 57 में से 47 पुलिसकर्मी दोषी करार दिए गए थे। आज इन दोषियों की सजा का ऐलान होगा। 1 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद 20 दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत ही जेल भेज दिया गया था जबकि बाकी 27 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पीलीभीत में 12 जुलाई 1991 को सिख तीर्थयात्रियों के दस्ते को बस से उतारकर 3 अलग अलग थानों में मुठभेड़ दिखाकर मार दिया गया था। पुलिस ने इन सिख यात्रियों को आतंकवादी बताया था और पुलिस टीम पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। एनकाउंटर के तुरंत बाद तो पुलिसकर्मियों की बड़ी तारीफ हुई थी, उन्हें सम्मान भी दिया गया था, लेकिन जब बाद में मामला खुलने लगा तो पीड़ितों को यूपी सरकार ने 10-10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन अब 25 साल बाद सच सामने आया है और आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी को सऊदी अरब ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने रियाद में सऊदी अरब के साथ 5 समझौते भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर सबसे पहले ब्रसेल्स, फिर वॉशिंगटन और सबसे आखिरी में सऊदी अरब पहुंचे थे। 3 देशों के दौरे से पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। पहले शानदार स्वागत और फिर सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान और सऊदी अरब की मजबूत होती दोस्ती का ये सबसे ताजा और पाक निशान है। 2 दिनों के दौरे के आखिरी दिन कल पीएम मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सऊद से सम्मानित किया गया। रॉयल कोर्ट में सऊदी सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान का बैज भी दिया गया। इससे पहले सऊदी अरब के शाही महल में किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सऊदी अरब के खास सम्मान से अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को सम्मानित किया जा चुका है। पीएम मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच आपसी कारोबार बढ़ाने और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के इस दौरे में 5 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत दोनों देश काले धन की हेराफेरी रोकने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। आतंकवाद के वित्तीय संसाधनों पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। दोनों देशों में खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। इन्वेस्ट इंडिया और सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट में निवेश संवर्धन पर समझौता हुआ। साधारण श्रेणी के कामगारों की नियुक्ति में होने वाली समस्या खत्म होगी। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी रियाद में टीसीएस के ऑल वुमेन सेंटर में महिला कर्मचारियों से भी मिले। इस दौरान सेंटर में भारत माता की जय के नारे भी लगे।
पीएम मोदी के साथ कई महिलाओं ने सेल्फी भी ली। पीएम ने महिला कर्मचारियों को भारत आने का न्योता दिया। दुनिया में भारत ने अपना स्थान बनाया है। मैं आप सबको भारत आने के लिए निमंत्रित करता हूं और कभी आप लोग एक साथ भारत आइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात तकरीबन 2 बजे वापस हिंदुस्तान लौट आए। 5 दिनों की इस यात्रा में पीएम अमेरिका, बेल्जियम और सऊदी अरब में रुके, जिसमें वॉशिंगटन में न्यूक्लियर एनर्जी पर बढ़ रहे खतरे और ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की बैठक में हिस्सा लिया। देर रात वापस दिल्ली लौटे पीएम के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया और फिर वहां से पीएम निवास रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर। सिलीगुड़ी में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने महाराज अग्रसेन अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में 20% बेड गरीबों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने का जो सपना अग्रसेन समाज के लोगों ने 4 साल पहले देखा था, वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। लोगों तक सस्ती और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से सिलीगुड़ी में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कल महाराजा अग्रसेन अस्पताल के पहले चरण का उद्घाटन किया। महाराजा अग्रसेन 5100 वर्ष पहले हुए, जहां जहां मैंने जितनी ज्यादा इसके बारे में थोड़ा सा गहराई में गए, तो वो केवल अग्रवालों के कुलदाता है ऐसा नहीं, पूरे वैश्य समाज के वो अग्रणी थे और हैं और आगे भी रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर चंद्रा ने भी अग्रसेन समाज की पहल को सराहा। 100 करोड़ का कर्ज लिया है यहाँ सिलीगुड़ी में, बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि यहाँ का समाज सक्षम तो है ही है, साथ में दान भी देते हैं। आप अपने गांव में, देश में जहाँ जाते हो वहीं सब काम करते हो, तो मुश्किल कोई बात नहीं है, मुश्किल तो कुछ होता भी नहीं जिंदगी में। ये कहावत है कि भैया सपने तो मून के देखने चाहिए, चांद के सपने देखोगे तो तारे तो मिलेंगे भी। लोगों को अच्छा और सस्ता इलाज मुहैया कराने के मकसद से महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन ने अस्पताल का निर्माण कराया है। पूर्वोत्तर भारत जो मेडिकल फैसिलिटी से पिछड़ा हुआ है, सारे मरीज इधर से पूरे देश में साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो उन्हें क्यों ना एक अच्छी सुविधा, अफोर्डेबल मेडिसिन, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट सिलीगुड़ी में ही शहर में दिया जाए। उपचार के माध्यम से हम लोगों तक, खास करके गरीब लोगों तक पहुँच पाएंगे। ये अस्पताल सिलीगुड़ी महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन द्वारा बनाया जा रहा है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट में बन रहे इस अस्पताल को बनाने में कुल 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अस्पताल की क्षमता कुल 250 बिस्तरों की होगी। इनमें से 20% बेड गरीब लोगों के लिए होंगे। हमने संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ आए तो पैसे के कारण से वो खाली हाथ ना जाए, उसका पूरा ट्रीटमेंट होके जाए, पैसे के कारण से वो न मरे, ये हमारा संकल्प है। महाराजा अग्रसेन रिसर्च एंड सर्विस फाउंडेशन के सदस्यों के मुताबिक जल्द ही महाराजा अग्रसेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। बेजू अग्रवाल, जी मीडिया, सिलीगुड़ी। बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने 4th राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी मौजूद रहे। दूसरे कई मानवाधिकार संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन प्रशासनिक महकमे से जुड़े लोग करते हैं, लेकिन मानवाधिकार से जुड़े मामलों की शिकायत आने पर उसका निपटारा भी वही करते हैं। साल 2008 से 2015 तक तकरीबन 30,000 मामले आए और इसकी जांच चल रही है, जिससे समाज में दबे कुचले लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेश के शराबबंदी कानून की तारीफ की। यह कार्यक्रम हाजीपुर के बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर मोतिहारी के एमएस कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में जिले भर से आए किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों को जागरूक किया। सासाराम में जल्द ही 164 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में तारामंडल बनेगा। बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसका ऐलान किया। उन्होंने संबंध में सासाराम के अधिकारियों से जमीन उपलब्धता की जांच कराकर सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। ऐतिहासिक नगरी है सासाराम, वहाँ तारामंडल बनना चाहिए, तो डायरेक्ट इशारा माननीय मुख्यमंत्री का हुआ और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मन के अंदर अभिलाषा भी था कि सासाराम में तारा मंडल जरूर बने, ताकि यहाँ के जो नौजवान युवा जो और भी पूरी संसार के जितने भी भूमंडल हैं उसको जानने का, तारे के बारे में, चांद के बारे में, मतलब एवरीथिंग आपको नॉलेज मिलेगा आपका स्पेस के बारे में जानने का, तो एक बहुत बड़ा चीज़ ये है हम लोगों के लिए उपलब्धि है। गुमला के विशुनपुर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान मेले के साथ प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोहरदगा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, गुमला विधायक शिवशंकर उरांव, उपायुक्त और विकास भारती के सचिव अशोक भगत भी शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कृषि प्रदर्शनी का मुआयना किया और किसानों को सम्मानित भी किया। मेले में गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा के हजारों किसानों ने शिरकत की। योजना के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के किसानों में एक खुशी आएंगी, यहाँ के किसान खुशहाल होंगे और उन्हें काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के माध्यम से पूरे देश भर के किसानों की चिंता उन्होंने इस योजना के माध्यम से किया है।